हर साल हम इंतज़ार करते हैं, और जब ऐसा लगता है कि अरे यार गणेश उत्सव आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है कि पापा जल्दी आ गए घर वापस, और एक अच्छा अलग ही सुकून सा महसूस होता है, और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है घर में, एक एक जो हमारा ट्रेडिशन है उसके तौर पर मतलब बहुत अच्छा लगता है ओके तुषार सर 30 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं आप उनको वो लेगेसी को आप लेके जा रहे हैं आगे, कैसा मतलब इतना नॉस्टैल्जिक फील करते हैं कि आपके पहले डैडी फिर आप लेके जा रहे हो, उसके बाद लक्ष्य भी आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया था, मतलब नेचुरली ही डैड ने बोला कि अभी 2-3 साल पहले, आई थिंक 2015 या 2016 से उन्होंने कहा कि अभी आप करो, तो नेचुरली ही मतलब मैंने शुरू कर दिया, और वैसे भी मतलब हमेशा रहता था हमें मतलब पूजा में मॉर्निंग इवनिंग आई वाज ऑलवेज अटेंडिंग, तो ऐसा कुछ अलग नहीं लगता, पर इट फील्स मोर अकम्प्लिश्ड यू नो, लाइक एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है जब आप खुद करते हैं घर की पूजा, और अब हमारे लिए मतलब इट्स बिकम इट्स अ रिचुअल, इट्स अ ट्रेडिशन, तो इट्स नॉट रिलीजन, इट्स पार्ट ऑफ अस, इट्स पार्ट ऑफ आर फैमिली, एंड हमारे मतलब हमारा जो मतलब हमारे जो रीति रिवाज है सालों से चले आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी वो हमारे हमारा एक हिस्सा बन गया है यू नो ये त्यौहार। ओके आज के दिन और एक मेंबर जुड़ चुका है रवि सर, और कितना एंजॉय, और ये फर्स्ट टाइम होगा लक्ष्य के साथ, उनका छोटा भाई भी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है, मतलब फैमिली और बड़ी हो गई है, और रवि को तो अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इज ओनली 6-7 मंथ्स, लेकिन आई थिंक अगले साल वो भी इंजॉय करने लगेगा, क्योंकि लक्ष्य के लिए तो मतलब एक बर्थडे पार्टी की तरह, वो थे गणेश जी का बर्थडे है, तो इसलिए वो एक्साइटेड होकर नीचे आते, क्योंकि हम उसे बोलते हैं कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और आज के दिन जो है पूरी फैमिली मेंबर्स सब घर में साथ में रहते हैं, देखा पूजा की, और क्या क्या करने वाले आप हैं, एकता मैडम हैं, आपके डैडी हैं, हर कोई, और क्या क्या करने वाले हैं आज के दिन आप? आज के दिन तो मैं आई बी विद माय सन ओनली, आई बी विद द फैमिली ओनली, कल मेरी शूट है वापस, तो आई विल एंजॉय टुडे एज अ हॉलिडे, एंड देन टुमारो आई विल बैक टू वर्क। जब से मैं आंखें खोली हैं, पहले 2-3 साल तो मालूम नहीं पड़ा होगा मुझे क्या है, 4-5 साल की उम्र से मेरे घर पे मतलब जहाँ मैं पहले रहता था रामचंद्र बिल्डिंग में मेरी चाल में, वहाँ सार्वजनिक गणपति आता था बिल्डिंग का, वो 11 दिन 4 साल से लेके 19 साल तक मैं वहाँ रहा, मेरी 19 साल की उम्र तक, वो 11 दिन मेरे लिए बेस्ट दिन होते थे, ड्रामा होता था, हम लोग छुप छुप के रिहर्सल देखते थे, फिर पूजा होती थी, पूजा में प्रसाद मिलता था हम, और चाल में तो सब दिखता है ना अंदर क्या है, सब खुला ही होता है, हम देखते थे जहाँ अच्छा प्रसाद मिल रहा है वहाँ घुस जाओ, जहाँ प्रसाद शक्कर वक्कर है तो वहाँ नहीं जाने का, तो नेचुरली बिल्डिंग में 40 गणपति होते थे, तो 10-15 हम चूज करते थे, और जाना उसी वक्त जब आरती एंड होने वाली है फाइनल क्लाइमेक्स में, ताकि वो ज़्यादा रुकना ना पड़े, तो इसलिए ये जो मज़ा आता था ना, ये इसका नशा ही अलग है, ये यादें मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ ही जाएंगी, और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया कुलाबा चला गया रहने को, बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, कुलाबा गया तो तब भी मेरी पहली पूजा जो पहली आरती होती है गिरगाम की, वो मैं ही करता हूँ, मेरी फैमिली करती थी, फिर हम लोग जाते सब जाते थे पहले, आस्ते आस्ते माय फादर डाइड, माय मदर डाइड, माय ब्रदर स्टॉप गोइंग, माय वाइफ स्टॉप गोइंग, पर आज भी हर आरती के दिन मैं कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं रामचंद्र बिल्डिंग की पहली आरती करने के लिए पहुँच जाता हूँ, अभी यहाँ से मैं वहीं जाने वाला हूँ, वो मेरे पुराने यार दोस्तों में से 80% चले गए, दे आर नो मोर, 80-85% सब नए लोग हैं, वो भी उतना ही प्यार और सम्मान से बुलाते हैं, और मैं उतनी श्रद्धा और प्यार से जाता हूँ जितना आखिरी दम तक, जब तक मैं स्ट्रेचर पे भी जाना पड़े तो मैं स्ट्रेचर पे भी जाके मेरे एंड तक मैं जाके वहाँ पूजा करूँगा, ये मेरी तमन्ना है, और जब सांस नहीं रहेगी तो नेचुरली उसको याद करते हुए चले जाएंगे, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में,